पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात, 3600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बिलासपुर में एम्स की भी शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, सुबह 11:30 बजे होगा कार्यक्रम, दोपहर 1:15 बजे एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज कुल्लू के दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे, दोपहर 3:15 बजे धालपुर ग्राउंड में होगा समारोह। पीएम मोदी के स्वागत के लिए धालपुर ग्राउंड तैयार, जगह जगह लगाए गए पीएम के पोस्टर। दशहरा महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार ले रही हैं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। धालपुर ग्राउंड में दशहरा महोत्सव के लिए रथ तैयार, इसी रथ को खींचेंगे पीएम मोदी। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज आखिरी दिन, श्रीनगर के राजभवन में सुरक्षा हालात की समीक्षा बैठक करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह 11:00 बजे बारामूला में एक जनसभा को करेंगे संबोधित, दोपहर 2:30 बजे गुरु छठी पातशाही में करेंगे दर्शन। श्रीनगर में आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे अमित शाह, दोपहर 3:30 बजे होगा कार्यक्रम। राजौरी की रैली से गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, गुर्जर बकरवाल पहाड़ी समाज को जल्द मिलेगा आरक्षण का लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में शहीद जवानों के परिवार से मुलाकात की, 4 जवानों के परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा, 20 परिवार को पहले ही मिल चुका है नियुक्ति पत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के चमोली में करेंगे शस्त्र पूजा, विजयदशमी के मौके पर होगी पूजा। राजस्थान राजनाथ सिंह औली और माना में सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा, उसके बाद बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे राजनाथ। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आज करेंगे शस्त्र पूजा, विजयदशमी के मौके पर आयोजन। आरएसएस के मुख्यालय में आज पथ संचालन का भी होगा आयोजन, उसके बाद स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे मोहन भागवत। मुंबई में दशहरा रैली के बहाने आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच शक्ति प्रदर्शन, दोनों की अलग अलग जगहों पर होगी रैली। उद्धव ठाकरे दादर के शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करेंगे, सीएम एकनाथ शिंदे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में करेंगे रैली। दशहरा रैली से एक दिन पहले शिंदे समर्थकों ने औरंगाबाद की बसों पर लगाए शिंदे के पोस्टर, बीकेसी मैदान में आने की अपील। दशहरा रैली के लिए दोनों गुट ने खाने के भी किए हैं इंतजाम, कार्यकर्ताओं के लिए तैयार हो रहा है फूड पैकेट। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने दशहरा रैली से पहले तैयारियों का जायजा लिया, शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे स्मृति स्थल भी गए। मुंबई में रैली के लिए आते वक्त दौलताबाद के पास आपस में टकरा गई 8 से 10 गाड़ियां, शिंदे गुट के नेता के काफिले की थी ये गाड़ियां। दशहरा पर आज दिल्ली के लाल किले के पास रामलीला में पहुंचेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, फिल्म बाहुबली के अभिनेता प्रभास भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कर्नाटक की तर्ज पर महाराष्ट्र में मनाया जाएगा दशहरा, कैबिनेट ने दी मंजूरी, 1 करोड़ के बजट को भी मंजूर किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दशहरा पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे, भगवान महाकाल की करेंगे पूजा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शशि थरूर का बड़ा दावा, कहा मुझे चुनाव लड़ने के लिए रोकना चाहते हैं कुछ नेता, राहुल गांधी ने नहीं मानी उनकी बात। शशि थरूर ने कहा बड़े नेताओं के समर्थन की नहीं थी उम्मीद, लेकिन सबके समर्थन की है जरूरत। थरूर के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा अध्यक्ष पद के चुनाव में गांधी परिवार किसी के भी समर्थन में नहीं है। सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से जयपुर में की मुलाकात। पायलट और खाचरियावास की मुलाकात पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा खाचरियावास दिल से सचिन पायलट के साथ हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा विधानसभा में भी हमारी बात होती रहती है, एक ही टेबल पर बैठते हैं दोनों। सचिन पायलट फिर से विधायकों से कर रहे हैं बातचीत, साथ ही मिलकर काम करने का दे रहे हैं संदेश। एलजी और दिल्ली सरकार में फिर ठनी, बिजली पर सब्सिडी की होगी जांच, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल का पलटवार, कहा आपने महंगाई बढ़ाई, मेरा राहत देना बर्दाश्त नहीं, फ्री बिजली नहीं रुकने दूंगा। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एलजी को लिखा लेटर, कहा आपके सभी आदेश असंवैधानिक, राजनीति से प्रेरित। मनीष सिसोदिया ने कहा जमीन लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा किसी और मामले के में जांच के आदेश देने का आपका अधिकार नहीं। बीजेपी का गंभीर आरोप, कहा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, कमीशन वाले मुख्यमंत्री हैं। फर्जी चुनावी वादों पर सख्त हुआ चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों को रेवड़ी कल्चर पर आगाह किया। तेलंगाना के सीएम और टीआरएस प्रमुख केसी चंद्रशेखर राव आज अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर सकते हैं, पार्टी का नया नाम भारत राष्ट्र समिति होगा। राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने से पहले तेलंगाना के वारंगल में बटे चिकन और शराब, टीआरएस के नेता राजनाला श्रीहरि पर लगा आरोप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का निशाना, बीजेपी और टीआरएस एक ही सिक्के के दो पहलू। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में निकाय चुनाव पर लगाई रोक, कोर्ट ने कहा राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभाई। हाईकोर्ट ने कहा बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है।
बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जेडीयू नेताओं के आरोप का दिया जवाब। नीतीश कुमार को अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलने के लिए बताया जिम्मेदार। संसद की स्थायी समितियों में बड़ा बदलाव। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह बनाए गए रेलवे के स्थायी संसदीय समिति के चेयरमैन। ब्रिजलाल को गृह मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। विवेक ठाकुर बने शिक्षा पर समिति के अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। दो आतंकियों के घिरे होने की खबर। इलाके की नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। श्रीनगर के लाल चौक पर की गई सुरक्षा बलों की तैनाती। पुलिस के अधिकारी सुरक्षा को लेकर लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। देश भर में 105 जगहों पर एक साथ सीबीआई के छापे। सीबीआई की साइबर क्राइम डिवीजन ने छापेमारी की। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत में अब भी सुधार नहीं। मंगलवार को आईसीयू में किए गए शिफ्ट। शिवपाल यादव ने मेदांता अस्पताल जाकर जाना मुलायम सिंह यादव का हालचाल। अखिलेश और परिवार के लोग अस्पताल में मौजूद। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में खाई में गिरी बस 45 लोगों को लेकर जा रही थी बस। 16 लोगों का किया जा चुका है रेस्क्यू। लाल ढांग इलाके से बारात गई थी बस। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में डांडा माउंटेन पर एवलॉन्च में 4 लोगों की जान गई। कई लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ आईटीबीपी और सेना की मदद से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू के लिए इंडियन एयरफोर्स के 2 चीता हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। राजस्थान के बीकानेर में एक शख्स पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया। हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मधुसूदन मोदी नाम के एक लड़के पर चाकू से हमला हुआ। 1 अक्टूबर को डांडिया प्रोग्राम में घुसे थे मुस्लिम लड़के। विवाद होने के बाद बाहर निकलते ही मधुसूदन मोदी पर किया हमला। अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने चाकूबाजी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मेरठ में दीपक त्यागी हत्या को लेकर खजूरी मेरठ मार्ग पर लगा जाम खत्म। मंत्री दिनेश खटीक और पुलिस के आश्वासन पर परिजनों ने हटाया जाम। परिवार वालों ने दीपक त्यागी की हत्या के बाद किया अंतिम संस्कार। हत्या के खिलाफ परिवार वाले और गांव वाले दीपक त्यागी का सिर सड़क पर रखकर दे रहे थे धरना। परिजनों ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। कहा 8 अक्टूबर तक सड़क किनारे जारी रहेगा प्रतीकात्मक धरना। मांगे नहीं मानी तो 9 अक्टूबर को होगा महापंचायत। अंकिता मर्डर केस में पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। एडीजी बोले अंकिता को नौकरी दिलवाने वाली उसकी दोस्त से भी पूछताछ हो रही है। उत्तरकाशी में पेपर लीक मामले में आरोपी हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनाया था रिजॉर्ट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी दीपक टीनू को हिरासत से भागने के मामले में पंजाब पुलिस ने बनाई एसआईटी। 4 सदस्यों की टीम करेगी जांच। नोएडा सेक्टर 58 में पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को किया गिरफ्तार। मोबाइल छीनकर भाग रहा था बदमाश। पुलिस का पीछा करने पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने बदमाश के पास से लूट के साथ मोबाइल एक तमंचा और कारतूस किया बरामद। जांच के बाद लोगों को सौंपा जाएगा मोबाइल। अलीगढ़ में ऑपरेशन 420 के तहत पुलिस ने 2 कॉल सेंटर्स पर छापा मारा। 13 लोग गिरफ्तार हुए। मथुरा में अवैध तरीके से मीट ले जा रहे 3 लोग गिरफ्तार। बैटरी रिक्शा से ले जा रहे थे मीट। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल। गुजरात के पोरबंदर में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम और पुलिस को लोगों ने घेरा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर लोगों को हटाया। इंदौर में कुछ बदमाशों ने एक लड़के को मारा चाकू। लड़के को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीर। हैदराबाद पुलिस ने चंदन तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़। तस्करी कर रहे 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सूरत पुलिस को बड़ी कामयाबी। 317 करोड़ के नकली नोटों के साथ 6 गिरफ्तार। वडोदरा में ऑटो रिक्शा और ट्रक की टक्कर 7 लोगों की मौत 7 जख्मी। महाराष्ट्र के लातूर में कार बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे लोग। यमुनानगर में सड़क दुर्घटना में 2 लड़कों की जान गई। नाराज भीड़ ने ट्रक को आग लगा दी। पटियाला में पराली जलाने की रिपोर्ट बनाने आए पटवारी को किसानों ने बंधक बनाया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार के नो एक्शन का भरोसा देने पर छोड़ा। करनाल के रंबा बड़ा गांव और कुंजपुरा में पराली जलाने के अवशेष मिले। प्रशासन ने फसल अवशेष जलाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। कानपुर में विसर्जन देखने आए 7 बच्चे गंगा नदी में डूबे। 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 1 की मौत। लखनऊ में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 लोगों के डूबने की खबर। दोनों के शव बरामद हुए। यूपी में नवमी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। कश्मीरी पंडितों ने भी मनाई रामनवमी। नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा के भद्रकाली मंदिर में की गई पूजा। सूरत में दुर्गा पूजा में लोगों ने जमकर किया गरबा। दिव्यांग लोगों के लिए आयोजित किया गया स्पेशल गरबा। दशहरे के मौके पर सजाया गया मैसूर पैलेस। देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लाइटिंग से जगमग हुआ पैलेस। विजयदशमी को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर में तैयारी। रावण के पुतले तैयार करने में जुटे कारीगर। दिल्ली में कोरोना के 74 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 1 भी मरीज की जान नहीं गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की। यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का दिया भरोसा। यूक्रेन को $625 मिलियन की मिलिट्री मदद करेगा अमेरिका। मदद में एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम भी शामिल है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा, दक्षिण यूक्रेन में हमारी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। फ्लोरिडा में आए विनाशकारी तूफान इयान से नुकसान का आकलन जारी है, बाढ़ या तबाह घरों में फंसे लोगों की तलाश भी की जा रही है। फ्लोरिडा में इयान तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 80, पूरे राज्य में अभी तक 2,350 से अधिक लोगों को बचाया गया। खत्म नहीं हुई है ट्विटर और एलन मस्क के बीच की डील, मस्क ने अपने पुराने ऑफर पर ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव रखा है। यूरोपियन यूनियन में कानून पास, 2024 से सभी स्मार्टफोन के लिए होगा एक ही मोबाइल चार्जर। दशहरे पर लॉन्च होगा जियो का 5G बीटा ट्रायल, देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में शुरू की जाएगी ये सर्विस। तीसरे T20 में साउथ अफ्रीका ने भारत को 49 रन से हराया, सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-1 से किया कब्जा। साउथ अफ्रीका ने भारत को दिया था 227 रन का लक्ष्य, 19वें ओवर में 178 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से रिली रोसियू ने नाबाद 100 रन बनाए, क्विंटन डीकॉक ने भी अर्धशतक जड़ा। भारत की तरफ से दिनेश कार्तिक ने सबसे ज्यादा रन, 21 गेंदों में 46 रनों की पारी। कप्तान रोहित शर्मा खाता खोले बिना बोल्ड हो गए, श्रेयस अय्यर ने एक रन बनाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 में भारतीय गेंदबाज फेल हुए, डेथ ओवर्स में जमकर रन लुटाए। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने दिखाई खेल भावना, मानक डिंग करने की जगह ट्रिस्टन स्टब्स को स्माइल देकर छोड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।